Hello everyone, welcome to my channel. Myself Viksha and uh, today uh, we are going to start a series about microbiology. Okay. तो एज़ वी ऑल नो दैट माइक्रोबायलॉजी इज अ सब्जेक्ट इन विच वी डील्स इज इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गैनिजम्स फॉर एग्जाम्प सच एज द फंजाई बैक्टीरिया वायरसेज एंड दे आर दे आर कॉजिंग इन्फेक्शियस डिसीजेज बिकॉज दे आर इन्फेक्शियस टू ह्यूमन्स ओके सो फॉर माइक्रोबायलॉजी जो बुक मैं रेफर करती हूँ दैट इज़ अपूर्वा शास्त्री ओके सो आई बी स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें हम टॉपिक वाइज इस बुक को कवर करेंगे अलोंग विथ माई नोट्स ओके सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज टू हिट द लाइक बटन बिफोर गोइंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फर्दर विथ मी कैरिंग माइक्रो बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट्स टू ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ अबाउट माइक्रोस्कोपी ओके तो माइक्रोस्कोपी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं सो आई होप इट इज विजिबल दिस इज अबाउट माइक्रोस्कोपी ओके सो माइक्रोस्कोपी वॉट इट इज माइक्रोस्कोपी रिफर्स टू द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड एस माइक्रोस्कोप मतलब कि माइक्रोस्कोपी में वी स्टडी अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड एज़ वी ऑल नो दैट माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है ठीक uh, है तो माइक्रोस्कोपी जो है वो कितने टाइप्स की माइक्रोस्कोपी हमें पढ़नी है वी हैव टू रीड अबाउट फाइव टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी द फर्स्ट इज़ द ब्राइट फील्ड और द लाइट माइक्रोस्कोपी या फिर इसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं सेकेंड इज़ आर द डार्क फील्ड और द ग्राउंड माइक्रोस्कोप थर्ड इज आर फेस कॉन्ट्रास्ट ओके फोर्थ इज आर द फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप एंड फिफ्थ जो है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ठीक है तो सबसे पहले क्विकली जंप ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी जो कि हमें पढ़नी है दैट इज द ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोप ठीक है तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें कि लाइट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है सो अर्लियर द फर्स्ट माइक्रोस्कोप द सिंपल माइक्रोस्कोप विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ल्यूवन हुक वॉज हैविंग ओनली वन लेंस ठीक है तो इसीलिए उसमें एक लेंस था सिर्फ तो एक दिमाग में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिकॉज अनलाइक द सिंपल माइक्रोस्कोप इट हैज टू लेंसेज है, दो लेंस होते हैं लाइट माइक्रोस्कोपिंग में या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होते हैं वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द अदर इज द ऑक्यूलर लेंस ओके सो जो टोटल मैग्निफिकेशन होगी फर्स्ट द लाइट विल पास फर्स्ट जो स्पेसिफिन से लाइट होकर आएगी फर्स्ट इट विल पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस फर्स्ट मैग्नीफिकेशन विल हैपन एंड देन वो पास करेगी ऑक्युलर से फॉर फर्दर मैग्निफिकेशन सो जो फाइनल मैग्निफिकेशन होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द ऑक्यूलर लेंस ठीक है तो ऑक्युलर लेंस को हम आई पीस लेंस भी कह सकते हैं ओके ठीक है अब हम देख लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी के पार्ट्स अब अभी हमने इंट्रो देखा कि लाइट माइक्रोस्कोपी में दो लेंस होते हैं बिकॉज टू लेंस होते हैं इसीलिए हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं बिकॉज सिंपल में सिर्फ एक लेंस था एंड टू लेंस हो गए ऑब्जेक्टिव और ऑक्युलर एंड फाइनल मैग्निफिकेशन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द ऑक्युलर लेंसेज ठीक है अब हम पिक्चर के लिए बुक रेफर करेंगे हमारी सो यस आई होप दिस इमेज इज विजिबल टू यू ठीक है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हियर वी कैन सी दैट पार्ट्स कौन कौन से हैं तो बुक के अकॉर्डिंग पार्ट्स जो है लाइट माइक्रोस्कोप के डिवाइड uh, करे गए हैं मैग्नीफाइंग पार्ट एलिमिनेटिंग पार्ट एंड द मैकेनिकल पार्ट अगर हम मैग्नीफाइंग पार्ट की बात करें फर्स्ट वन इज द ऑक्यूलर लेंस जिस जो कि हमने आई पीस लेंस कहा क्योंकि यहाँ पे आई पीस होती है तो फर्स्ट वन इज़ आर ऑक्युलर ऑक्युलर लेंस एंड द अदर इज़ द ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है अब ऑक्युलर लेंस का जो मैग्नीफाइंग पार्ट है ओके मैग्नीफाइंग पार्ट मीन्स दे हेल्प इन मैग्नीफिकेशन ओके सो जो ऑक्यूलर लेंस है उसका जो मैग्नीफिकेशन होता है वो फिक्स्ड होता है दैट इज़ टेन एक्स कितना होता है टेन एक्स होता है और उसका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो फिक्स होता है ठीक है सो ऑक्यूलर लेंस का मैग्नीफिकेशन टेन एक्स होता है और वो फिक्स होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन जो होता है वो एक्चुअली रिवॉल्विंग नोज पीस जो है ये रिवॉल्विंग नोज पीस यस तो यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं एक्चुअली हमारे पास थ्री कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ठीक है और ऑन द बेसिस कि हमें कितना रिजोल uh, कितना मैग्नीफिकेशन चाहिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस को एडजस्ट करके अपना मैग्निफिकेशन सेट कर सकते हैं यू कैन सी वन मिनट यस यू कैन सी यहाँ पे कि थ्री इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं फर्स्ट वन इज द लो ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस ठीक है फर्स्ट वन होता है हमारे पास लो ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका मैग्निफिकेशन होता है टेन एक्स ठीक है सेकेंड हमारे पास होता है हाई ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका मैग्निफिकेशन होता है फोर्टी एक्स एक्स इज़ मीन्स फोर्टी टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है इसका देन द लो ड्राई और थर्ड जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास होती है ओके सो तो थर्ड ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारे पास होती है दैट इज ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका मैग्नीफेसन होता है सॉरी uh, हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड एक्स ओके सो ये हो गए हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस और ये उनकी मैग्नीफ़िकेशन तो ऑन द ऑन द बेसिस कि हमें कितना मैगनीफिकेशन चाहिए हम रिवॉल्विंग नोज पीस के नॉब को एडजस्ट करके एंड मतलब उसे रिवॉल्व करके और अपना ऑब्जेक्टिव लेंस कितना हमें मैग्नीफिकेशन चाहिए उतना हम सेट कर सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ओके सो एंड या तो आई पीस का जो मैग्नीफिकेशन होता है मतलब कि जो ऑक्युलर लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है दैट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड वो टेन टाइम्स ही होता है सो so अगर हमें फ़ाइनल मैग्नीफिकेशन चाहिए जो कि फाइनल मैग्नीफिकेशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कैसे निकलेगा फाइनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन डन बाई द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एंड टू द मैग्नीफिकेशन डन बाई द ऑक्यूलर लेंस और द आई पीस लेंस ठीक है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनल मैग्नीफेसन इन केस ऑफ लो ड्राई ऑफ मतलब फाइनल मैग्नीफिकेशन इस केस में हमें हंड्रेड टाइम्स मिलेगी यहाँ पे फोर हंड्रेड टाइम्स एंड यहाँ पे हमें मिलेगी थाउजेंड टाइम्स सो अगर कोई हमसे पूछे कि इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी मैक्सिमम मैगनीफिकेशन कितनी अचीव हो सकती है सो इन लाइट माइक्रोस्कोप द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन विच कैन बी अचीव्ड इज थाउजेंड टाइम्स ठीक है यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया आई होप ओके ठीक है तो और क्या पार्ट्स हैं एलिमिनेटिंग पार्ट होता है एलिमिनेटिंग पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंडेंसर कंडेंसर का फंक्शन यहाँ पे कंडेंसर होता है इमेज में यू कैन सी यहाँ पे कंडेंसर होता है कंडेंसर का फंक्शन होता है टू फोकस द लाइट ऑन द स्लाइड यानी लाइट को फोकस करने के लिए uh, इसका फंक्शन होता है एंड अदर एलिमिनेटिंग पार्ट आर द आईडिस डाइफ्राम द लाइट सोर्सेज द फाइन एंड द कोर्स द फाइन एंड द कोर्स एडजस्टिंग नोट्स ठीक है एंड जो आपका मैकेनिकल पार्ट है उसमें नथिंग जस्ट ये शी सेब्ड सॉरी द सी शेप्ड ये आम आती है दिस द कोर्स एडजस्ट एडजस्टमेंट आता है एंड दिस बेस एंड द स्टेज ओके सो ये हो गया हमारा लाइट द पार्ट्स ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोपी एंड देन वर्किंग यानी वर्किंग कैसे है इसकी सो वर्किंग इज़ दैट द रेज एमिटेड फ्रॉम द लाइट सोर्स जो लाइट सोर्स यहाँ पे लाइट सोर्स है ठीक है तो यहाँ से जो रेज निकलती है दैट पासिस थ्रू द आयरिस डायफ्राम ओके यहाँ से पास करते हुए और कंडेंसर का फंक्शन है टू फोकस द लाइट ओके लाइट को फोकस करना स्लाइड पे तो वो लाइट uh, को फोकस करती है स्लाइड पे और उसके बाद वो स्पेसिमिन पे फॉल करती है आफ्टर Uh, जो स्पेसिमेन पे फॉल करने के बाद लाइट रेस पास पास करती हैं आई मीन स्पेसिमेंट से दे दे आर अप बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे मैग्नीफिकेशन uh, होता है एंड मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होती है बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फर्दर मैग्निफिकेशन होता है बाय द ऑक्युलर लेंस एंड एट लास्ट फाइनली द मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग

Uh, यहाँ पे एक एम सी क्यू है विच वॉज आक्स्ड इन एम्स सिक्सटीन पी जी एग्जाम क्वेश्चन ये है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ठीक है तो uh, यहाँ पे है एन ए दैट इज़ योर न्यूक्लियर अपर्चर वेव लेंथ ऑफ लाइट थिकनेस ऑफ फिल्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम तो ये पूछ रहा है कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है माइक्रोस्कोप का वो इनमें से किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है तो इसके लिए एक फार्मूला हमें ये याद रखना पड़ेगा कि रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू लेमडा टू एन ए एन ए इज़ इक्वल ये हमारा न्यूक्लियर अपर्चर है ठीक है और फर्दर न्यूक्लियर अपर्चर का फॉर्मूला होता है एन साइन थीटा ठीक है साइन थीटा जहाँ पे एन इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है तो यहाँ पे फर्दर हमने एन ए को साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया तो रिजोल्विंग पावर किस पर डिपेंड कर रहा है एन ए मतलब न्यूक्लियर एपर्चर पे डिपेंड करेगा लैमडा ऑलरेडी वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है एंड एनसाइन थीटा में एन इज़ योर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम तो इस पर भी डिपेंड करेगा तो इसका आंसर जाएगा सी दैट इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म ठीक है सो यहाँ तक था वी एंडेड विद द लाइट माइक्रोस्कोपी नाउ ओके सो नाओ लेट स्टार्ट विद द सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी दैट इज डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप ठीक है तो एज द नेम सजेस्ट कि डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप है तो मतलब कि यहाँ पे जो हमें इमेज दिखेगी दैट इज अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड ठीक है ये तो मेरे नोट्स हैं मैं बुक से भी दिखा देती हूँ वन सेकेंड ओके यहाँ पे कि लाइट में इट वॉज लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए बुक में इट वॉज कि ब्राइट में फॉर्म्स अ डार्क इमेज अगेंस्ट द ब्राइटर बैकग्राउंड क्योंकि लाइट ब्राइट फील्ड है तो वहाँ पे हमें ब्राइटर बैकग्राउंड मिलेगा लेकिन uh, जब हम डार्क डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इमेज जो मिलेगी दैट विल बी अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड ओके सॉरी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का इम्पॉर्टेंस क्या है एक्चुअली डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में जो कंडेंसिंग लेंस होती है दैट हैज़ अ सेंट्रल ओपेक एरिया इस लाइन को हम अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू जो कि यहाँ पे दिया हुआ है यू कैन सी इस साइड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ही दे रखी है और इस साइड जो है वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप दे रखा है ठीक है मतलब वर्किंग प्रिंसिपल तो वही चीज़ बोल रखी है कि इन इन केस ऑफ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी कंडेंसिंग लेंस जो होती है ये कंडेंसर लिखा हुआ है कंडेंसिंग लेंस ये है ब्राइट फील्ड यहाँ पे कोई भी सेंट्रल ओपेक एरिया नहीं है कंडेंसर में बट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो कंडेंसिंग लेंस होता है इट हैज़ एन सेंट्रल ओपेक एरिया ठीक है ड्यू टू विच होता क्या है ड्यू टू दिस द सेंट्रल ओपेक एरिया जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज एलिमिनेटेड बाय अ कोन ऑफ लाइट ठीक है एंड द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओनली सीन मतलब कि Uh, जब लाइट क्या होती है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल ओपेक एरिया है ओके सेंट्रल ओपेक एरिया है तो जितनी लाइट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करती है हमें सिर्फ उतनी ही लाइट दिखती है मतलब कि यहाँ पे लाइट uh, पास हो रही है सो यू कैन सी ओनली द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दी स्पेसिमिन कैप्चर्ड बाय दी ऑब्जेक्टिव लेंस सिर्फ यहाँ से जो स्पेसिमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट सिर्फ वो कैप्चर करती है स्पेसिमेंट uh, और जबकि ब्राइट फील्ड लाइट ब्राइट फील्ड लाइट ब्राइट फील्ड और लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या होता है बोथ द रिफ्लेक्टेड यू कैन सी दोनों कैप्चर कर रहा है जो रिफ्लेक्टेड है प्लस जो अनरिफ्लेक्टेड लाइट है दोनों पास कर रही है ऑब्जेक्टिव में जबकि डार्क फील्ड में ओनली द लाइट जो कि स्पेसिमिन रिफ्लेक्ट कर रहा है सिर्फ वो पास होती है ऑब्जेक्टिव से इसीलिए दिस इज द रीजन वाई दाई वी गॉट लाइक वाई वी गॉट एन बैकग्राउंड डार्क बैकग्राउंड अपीयर्स ओके सो दिस इज द रीज़न एंड क्लासिकल एग्जाम्पल मतलब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का कहाँ पर यूज़ होता है सो द क्लासिकल एग्जाम्पल इज स्पाइरो बिकॉज इट इज़ यूज टू सी

जो प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग होता है दैट इज़ ऑलवेज प्रीसीडेड बाय फिक्सिंग द ऑर्गेनिज्म और जब भी फिक्स हम करेंगे दैट मींस पासिंग द स्लाइड थ्रू द फ्लेम तो मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म का हम देखने जा रहे हैं दैट विल बी डेड बट यहाँ पे हमें स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वी डोंट नीड टू स्टेन एंड फिक्स द बैक्टीरिया और द ऑर्गेनिज्म इसीलिए हमें अनस्टेनिंग की वजह से हम लाइव ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं ओके सो दैट वॉज इट एंड येस बुक में भी बस इतना ही चीज़ें दे रखी है दैट एप्लीकेशन वही है वेरी स्लेंडर बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल एग्जाम्पल इज स्पायरो्स अनस्टेन्ड लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं क्योंकि वी डोंट नीड टू स्टेन देम और फिक्सिंग नहीं करनी पड़ती तो इसी लिए वो डेड नहीं होते हैं बिकॉज द स्लाइड दस नॉट पांच थ्रो द फ्लैन ओके सो नाउ कमिंग टू द थर्ड वन थर्ड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी दैट इज द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी अभी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जैसा कि एज द नेम सजेस्ट इट प्रोवाइड्स अ मच बेटर कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स मच बेटर कॉन्ट्रास्ट हमें मिलता है एंड इट कैन बी यूज टू व्यू द अनस्टेन्ड लाइव माइक्रोस् माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे भी हमें स्टेनिंग नहीं करनी पड़ती ओके सो अनस्टे यहाँ पे भी वी डोंट नीड टू फिक्स एंड स्टेन देम दैट इज़ वाई यहाँ पे हमें लाइव ऑर्गेनिजम्स वी कैन सी सो दीज वर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज दिस फेस प्लेट अभी फेस प्लेट का फंक्शन क्या होता है देखो एज डिफरेंट ऑर्गैनिजम्स हैं तो डिफरेंट ऑर्गैनिजम्स हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गैनिजम्स हैव जब हम उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो दे डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट पार्ट हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस देव डिफरेंट थिकनेसिज सो एज अ रिजल्ट एज लाइट पासिसज थ्रू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गैनिजम विथ वेरियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट चेंजेस एंड दीज चेंजेस समझ में आ रहा है एंड दीज चेंजेस आर कन्वर्टेड इन टू डिफरेंट इंटेंसिटीज बाई फेस प्लेट एंड एज अ रिजल्ट हम बेटर कॉन्ट्रास्ट देख पाते हैं सो दिस इज द डाइग्राम यहाँ पे फेस प्लेट होता है एंड यस लेट्स मूव ऑन टू द बुक बाकी चीज़ें सेम है अनस्टेन लाइव सेल्स बाय क्रिएटिंग द डिफरेंस इन कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द सेल एंड द वाटर एंड यहाँ पे एप्लीकेशन में यू कैन सी कि क्या है डिटेक्टिंग द लाइक एप्लीकेशंस फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्टडिंग द माइक्रोबियल मोटिलिटी के लिए भी यूज़ होता है डिटरमानिंग द शेप ऑफ द लिविंग सेल्स एंड वॉट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जस्ट नाउ की डिटेक्टिंग माइक्रोबियल इंटरसेल्युलर स्ट्रक्चर्स या कंपोनेंट्स सच है सेल मेमब्रेन न्यूक्लियाई माइट्रोकॉन्ड्रिया ओके स्पिडल्स क्रोमोजोम्स अपैरेटस, एंडोस्पोर्स एंड इंक्लूजन बॉडीज विच बिकम क्लियरली विजिबल बिकॉज दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस यही मेन यही मेन पॉइंट है क्योंकि जो भी डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनका डिफरेंट थिकनेस होता है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एज अ रिजल्ट वी कैन क्लियरली सी दैम ओके सो दिस वॉज क्विक अबाउट द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी अब हम पढ़ेंगे द फोर्थ वन दैट इज़ द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी अच्छा बिफोर स्टार्टिंग द फ्लोरिसट माइक्रोस्कोपी एक और होता है जो कि अभी बुक में तो नहीं दिया बट दैट इज कॉल्ड एस डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसमें क्या होता है पोलराइज लाइट इज यूज हेअर ऑल्सो वी कैन सी द अनस्टेन्ड लाइव ऑर्गेनिज्म और एक अपर एच क्या है एक इंपॉर्टेंट क्या है कि थ्री डायमेंशनल व्यू इज़ प्रोवाइडेड बाई दिस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी प्रिंसिपल इज सेम एज द फेस कॉन्ट्रास्ट बट यहाँ पर हमें एक थ्री डी इमेज मिलती है ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी विच इज़ द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप ठीक है तो फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप में क्या होता है इट डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ फ्लोरोक्रोम फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोपी का जो पूरा बेस है उसमें फ्लोरिसेंट एंड फ्लोरोक्रोम तो मतलब इसमें फ्लोरोक्रोम का यूज़ होता है अभी फ्लोरोक्रोम क्या होता है लाइक व्हाट व्हाट प्रॉपर्टी डज इट हैव तो ये फ्लोरोक्रोम है सपोज ठीक है एंड देखो इंसिडेंट लाइट पड़ रही है और जो यूवी लाइट होती है यूवी लाइट मान लो इंसिडेंट हो रही है सो so ये शॉर्टर वेवलेंथ की होती है शॉर्टर वेवलेंथ की होगी शॉर्टर लेमडा होगा इसका एंड फ्लोरोक्रोम उस इंसिडेंट लाइट हैविंग शॉर्टर वेव इट विल एब्जॉर्ब इट और उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट के इमिट करेगा फ्लोरोक्रोम दैट विल बी ऑफ लॉन्गर वेव ठीक है लॉन्गर वेव की लाइट के इमिट करेगा विजिबल रेंज में सो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोक्रोम इज इंसीडेंट यू वी लाइट इज ऑफ शॉर्टर वेव लेंथ एंड इज कन्वर्टेड इन टू लॉन्गर वेव लेंथ विजिबल ओके okay. और उसके बाद ये जो आई हैव रिटर्न द एक्साइटेशन फिल्टर स्पेसिफिन डाइक्रोइक मिरर इमिशन फिल्टर डिटेक्टर दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लोरिस माइक्रोस्कोप तो इसे हम देखेंगे इन द बुक एंड उसके थ्रू हम समझेंगे लेट मी एट एट एडजस्ट द कैमरा ओके ठीक है तो आई होप इट इज़ विजिबल यस तो ये है हमारा आ, बुक में दे रखा है फ्लॉरिस माइक्रोस्कोप का लाइक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैसे काम करता है ठीक है तो देखो सबसे पहले ये लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स से जो लाइट सोर्स है उससे रेज आर इमिटिंग सो लाइट सोर्स इज इमिटिंग द रेज लाइट सोर्स से रेज निकली यहाँ पे एक एक्साइटेशन फिल्टर लगा है एक्साइटेशन फिल्टर क्या करता है इट अलाउज़ द लाइट ऑफ ओनली शॉर्टर वेवलेंथ टू पास थ्रू इट ठीक है लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो तो इंक्लूडिंग ऑल द लॉन्ग एंड द शॉर्ट सारे वेवलेंथ की है बट एक्साइटेशन फिल्टर से जो लाइट पास करती है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ की होती है ठीक है यहाँ तक हो गया उसके बाद शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट पास हुई शॉर्टर वेवलेंथ में फॉर एग्जांपल यूवी लाइट पास करेगी ठीक है और इसको हम एक्साइटिंग एक्साइटिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट भी कहेंगे अब इससे पास हुई शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द एक्साइटेशन फिल्टर इस आई मीन इसीलिए हम एक्साइटिंग वेवलेंथ uh, नाम भी दिया गया है ठीक uh, uh, है ब्लॉकिंग एंड इट ब्लॉक्स ऑल द अदर टाइप ऑफ क्या बोलेंगे रेज ओके लाइट रेज उसके बाद ये पास करेगी फर्दर ये है डाइक्रोमैटिक मिरर सो डाइक्रोमैटिक मिरर इट इट विफ्लेक्ट द एक्साइटेशन लाइट या फिर जो भी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है टूवर्ड्स द सैम्पल या फिर जो स्पेसिफिन है तो ये इधर डिफ्लेक्ट कर देगा एंड ट्रांसमिट द लॉन्गर ये ग्रीन वाला वेवलेंथ uh, टिटेक्टर इधर डिटेक्टर है ना तो इधर तो बेसिकली Uh, क्या करता है कि uh, जब यहाँ से एक्साइटेशन फिल्टर से लाइट आ गई तो uh, ये रिफ्लेक्ट होंगी डाइक्रोमेटिक मिरर से और ये फॉल करेंगे यहाँ पे स्पेसमिन है यहाँ स्पेसिमिन पे फॉल करेंगी एंड स्पेसिमिन uh, जो है दैट ये स्टेन रहता है प्री मतलब पहले से ही प्रीवियसली इट इज़ स्टेनड बाय दी फ्लोरोसेंट डाई ठीक है और फ्लोरिसेंट डाई क्या करती है हमने पहले ही फ्लोरोक्रोम की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब इंसिडेंट लाइट विच इज़ ऑफ़ शॉर्टर वेव लेंथ इस पर पड़ेगी तो ये उसे एबजॉर्ब करके एमिट करेगी अ वेव लेंथ ऑफ लाइट हैविंग लॉन्गर आई मीन लॉन्गर वेव लेंथ ठीक है तो वही ऐसा वही चीज़ होती है यहाँ पर फ्लोरिसेंट डाई एब्जॉर्ब करती है एक्साइटिंग रेज को ऑफ शॉर्टर वेव लेंथ एक्टिवेट हो जाते हैं जो भी फ्लोरोक्रोम है एंड दे एमिट रेज ऑफ हायर वेव लेंथ तो हायर वेव लेंथ की ये विजिबल रेंज में यू कैन सी ग्रीन में विजिबल रेंज में ये निकलती है यहाँ से एंड देन ये पास करती है यहाँ पे एक बैरियर फिल्टर कह सकते हैं या फिर हम इसको बैरियर फिल्टर या फिर हम इसको एमिशन फिल्टर भी कह सकते हैं ई एम आई डब्ल एस आई ओके सो बैरियर फिल्टर या एमिशन फिल्टर का क्या 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 काम है बैरियर फिल्टर जो करता है ये इसका काम है इट ब्लॉक्स द एक्साइटेशन लाइट एंड ट्रांसमिट ओनली द डिज़ायर फ्लोरेसेंस इमिशन वेवलेंथ मतलब कि जो बैरियर uh, फिल्टर जो होता है वो सिर्फ लॉन्ग लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो उसको पास करने में हेल्प करता है उसके बाद जो है वो आई पी से पहुँच के वी कैन सी तो ये हो गया फंक्शन अब हम देखते हैं कुछ फ्लोरोक्रोम्स के नेम यस अब हम देखते हैं कुछ फ्लोरोक्रोम के नेम्स और वो किससे बाइंड करते हैं मतलब ये हमारा एप्लीकेशन पार्ट है एप्लीकेशन क्या होता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का ठीक है तो सबसे पहले एफ आई टी एस ये सॉरी एफ आई टी सी ये कौन सा फ्लोरोक्रोम है दैट इज फ्लोरीन आइसोथायोसाइनेट फ्लोरिन फ्लोरोसिन एम सॉरी दिस दिस इज़ फ्लोरिसिन आइसोथायोसाइनेट तो दिस फ्लोरोक्रोम इट बाइंड टू द एंटीबॉडीज इसी लिए ये यूज़ होता है इम्यूनो फ्लोरेसिन टेस्ट में ठीक है जो अदर दूसरा फ्लोरोक्रोम हमारे पास है दैट इज़ और एंड रोडामाइन बी आरोमाइन ओ एंड रोडामाइन बी बोथ बाइंड टू माइकोलिक एसिड एंड माइकोलिक एसिड एज वी नो दैट इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो बैक्टीरियम तो सेल्वोल कंपोनेंट है ना तो ये डिटेक्ट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ द माइक्रो बैक्टीरिया कैल्कोफ्लोर व्हाइट कैल्कोफ्लोर व्हाइट बाइंड्स टू द काइटिन एंड काइटिन एज वी नो दैट इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फनजाई तो हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ फनजाई एंड आर्काडाइन ऑरेंज जो है इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ द मलेरिया एंड द फाइलेरियासिस बिकॉज इट बाइंड्स टू द सिंगल स्टैंडर्ड और द डबल स्टैंडर्ड डी एन ए इसीलिए माइक्रो माइक्रो हिमाटोक्रिट टेस्ट ट्यूब मेथड में ये यूज होता है अब हम थोड़ा बुक से भी देख सकते हैं ओके सो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन्स आई हैव हाईलाइटेड इट यस तो यहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसिन्स टेस्ट में तो हमने देख ही लिया कि फ्लोरसाइन फ्लोरिसिन आइसोथाइसाइनेट यूज़ होता है बिकॉज सॉरी इट बाइंड टू द एंटीबॉडीज एंड uh, जो हमने और माइन ओ एंड रोडामाइन बी पढ़ा था विच बाइंड टू द माइकोलिक एसिड तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है और माइन फिनोल इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई अभी हमने आर्कडाइन औरेंज के बारे में भी पढ़ा तो वी रेड कि आर्कडाइन औरेंज जो है वो बाइंड करता है सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डी एन ने इसीलिए डायग्नोसिस ऑफ दी मलेरिया और फाइलैरियास uh, ठीक है ये हमने नोट्स में पढ़ा बुक में क्या दे रखा है द सेम आर्कडाइन ऑरेंज डाई इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट सच एज प्लाज्मोडियम एंड फाइलेरिय प्लाज्मोडियम वही मलेरियल पैरासाइट एंड फाइलेरियल नीमाटोट्स फाइलेरियास वह मेथड कॉल्ड क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन या फिर हम इसको माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब मेथड में से भी यूज होता है विच मेथड माइक्रो हिमेटोक्रिट टूब मैथड ओके सो दैट्स इट अबाउट द फेस कॉन् सॉरी फ्लोरिस माइक्रोस्कोपी अच्छा एक क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आई फाउंड मतलब आई वॉज रीटिंग आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग सो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ये है अबाउट ये इमेज है ठीक है सो लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट फॉर यू क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड इन द माइक्रोस्कोप टेकिंग दिस टाइप ऑफ इमेज ठीक है ये एम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड इन द माइक्रोस्कोप फॉर टेकिंग दिस टाइप ऑफ इमेज मतलब ये इमेज अगर हमें चाहिए ऐसी इमेज हमें चाहिए अभी बुक में तो पता है कैसे लेकिन टू तो बी वेरी ऑनेस्ट बस ये इमेज देखो आप और ऐसी इमेज चाहिए तो हमें कौन सा माइक्रोस्कोप में कैसा पार्ट मतलब कौन सा स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप में प्रेजेंट होना चाहिए सो फर्स्ट ऑप्शन इज डार्क फील्ड कंडेंसर तो डार्क फील्ड कंडेंसर तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में यूज़ होता है फेस प्लेट तो हमने पढ़ा फेस कॉन्ट्रास्ट में यूज़ होता है कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी आएगा लास्ट वन उसमें यूज़ होता है सो आंसर विल बी डाइक्रोइ मिरर विच इज़ अ स्पेशल कंपोनेंट ऑफ दी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप अभी हमने पढ़ा भी डाइक्रोइ मिरर क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है uh, रिफ्लेक्ट करता है जो भी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट आती है टुवर्ड्स द पैसेमिन तो ये क्वेश्चन था जस्ट और वैसे भी इस इमेज को देख के पता चल रहा है कि फ्लोरिस इन टाइप की इमेज है तो फिर कुछ भी फ्लोर जो भी कंपोनेंट होगा स्ट्रक्चर वो फ्लोरिस माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड होगा ओके लेट्स जल्दी से फिनिश करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है इट विल बी वेरी यूजफुल क्योंकि Uh, मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने की कोशिश करी है आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो वॉच टे लेंट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली ओके सो लेट स्टार्ट विद द लास्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक की जो बिगेस्ट जो बिगेस्ट एडवांटेज है विच इज़ इट्स रिजोल्विंग पावर ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट हैज़ रिजोल्विंग पावर ऑफ ज़ीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट फाइव नैनोमीटर अभी कंपेरिजन भी हम देखेंगे uh, ठीक है तो साइड बाई साइड अगर मैं देखूँ तो वन सेकेंड यस यहाँ बुक में अगर आपके पास होगी तो आप बेटर होगा कि आप बुक अपनी भी खोल लो अगर मतलब कैमरे में क्लियर इमेज नहीं आ रही है तो तो देखो यहाँ पे दे रखा है टेबल में भी कि लाइट माइक्रोस्कोप का जो बेस्ट रिजोल्यूशन था दैट इज़ 0.5 माइक्रोमीटर एंड यहाँ पे 0.1 पॉइंट वन टू जीरो नैनोमीटर तो यूनिट्स पे ध्यान देना यहाँ पे नैनोमीटर है एंड दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दैट इज़ नैनोमीटर ओके तो ग्रेटर यूनिट है एंड ठीक है तो ये हो गया आपका रिजोल्विंग पावर फर्स्ट ऑफ़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज यही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का कि रिज़ोल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होती है सेकेंड uh, जो है अब हम देख लेते हैं uh, कैसे होता है लाइक प्रिंस इलेक्ट्रॉन पाथवे भी वी कैन सी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इट यूज कैथोड ट्यूब या फिर इलेक्ट्रॉन गन यूज होता है एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए One और जो मीडियम होता है वो फुल्ली वैक्यूम होता है वैक्यूम इसलिए होता है बिकॉज बिकॉज पाथ में और भी एयर होते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं सो दैट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्लैक्ट ना हो जाए बाय द कोलिजन विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड द अदर एयर मोलिक्यूल्स तो इसीलिए फुली वैक्यूम वैक्यूम क्रिएट किया जाता है एंड इलेक्ट्रो यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में टू फोकस द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन uh, माइक्रोस्कोपी में दो तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव हो सकते हैं ऑन द फ्लोरसेंट स्क्रीन आइदर बाय स्कैटर्ड लाइक स्कैटरिंग से रिसीव हो सकते हैं या फिर ट्रांसमिशन से तो इस बेसिस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो दो तो टाइप का होता है फर्स्ट वन इज योर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें ट्रांसमिटेड लाइट इज रिसीव्ड एंड सेकेंड वन इज योर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन आर रिसीव्ड ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन ठीक है तो इम्पॉर्टेंट uh, जो है फंक्शन है कि कौन सा किस में यूज़ होता है तो ट्रांसमिशन टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल uh, स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है एंड स्कैनिंग uh, जो होता है वो सरफेस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है एंड लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू मैंशन ओवर एयर की जो वेवलिथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है विच इज यूज इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव नैनोमीटर ओके सो दिस इज इट अभी एक बार बुक लास्ट में देख लेते हैं इस टॉपिक का वही चीज़ है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है एंड ये इलेक्ट्रॉन का पाथवे सेम है इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड बाई द इलेक्ट्रॉन गन्स विच ट्रेवल विथ हाई स्पीड एंड मीडियम जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो फुल्ली वैक्यूम होना चाहिए बिकॉज एयर पाथ पाथवे मतलब एयर बिकॉज इन द एयर पाथ इलेक्ट्रॉन्स कैन गेट डिफ्लेक्टेड बाई द कोलिजन विद द एयर मोलिक्यूल्स एंड अदर थिंगस आर सेम जो कि नोट्स में मैंने समझाया एंड एप्लीकेशन मेन है वायरस डिटेक्शन में यूज़ होता है एंड यस एंड द सेकेंड टाइप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि सर्फेस स्ट्रक्चर के लिए हम स्टडी करते हैं सो दैट्स इट लेट्स क्विकली सी द एम सी क्यूज ओके आई होप कि एम सी क्यूज के आंसर हाइड करके हम देख सकते हैं ओके okay. हम लगा सकते हैं पेपर वन सिक्यूर विल राइट क्योर तो फर्स्ट है द अनएडिड ह्यूमन आई रेजोल्यूशन द अनएड ह्यूमन आई रेजोलविंग पावर कितनी होती है तो मुझे जहाँ तक याद है इट इज़ पॉइंट टू आई मीन पॉइंट टू मिली मिली मीटर तो फर्स्ट का ए सेकेंड इज़ फटाफट करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज यूजफुल हमने पढ़ा था फेस कॉन्ट्रास्ट तो बेटर कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है हमने पढ़ा भी था बुक बुक की ही लाइन है माइक्रोबियल मोटेलिटी होती है डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ लिविंग सेल भी होता है एंड डिटेक्टिंग द बैक्टीरियल कंपोनेंट्स मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर तो होता ही है तो एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ डी तो डी होगा ओके अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट अपियर ब्राइट अगेंस्ट द डार बैकग्राउंड ब्राइट अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड ये वर्ड ही है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप का तो वी गो फॉर बी ऑप्शन और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफ़र फ्राम लाइट माइक्रोस्कोप इन ऑल हाइस्ट प्रैक्टिकल मैगनीफिकेशन होता है मतलब ये है कि दोनों में डिफ्रेंस होता है क्या चीज़ डिफर नहीं होती मतलब क्या चीज़ डिफर नहीं होती आई थिंक इसका नो नीड ऑफ स्पेस्टम प्रिपरेशन होना चाहिए लेट्स मैच ओके फर्स्ट का ए टू का डी थ्री का बी एंड फोर्थ का डी ऑल आर करेक्ट सो आप इस तरह से लास्ट में एम सी क्यू भी देख सकते हो जो चेक यूर सेल्फ ओके दैट्स इट फॉर द वीडियो आई ट्राई टू इंक्लूड एवरी थिंग फॉर यू प्लीज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक आई मीन अगर वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक विथ इंक यू की मोस्ट ऑफ़ यू वॉच द वीडियो बट तो आप लाइक नहीं करते हो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू स्टडी माइक्रोबालॉजी विथ मी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तो अगला वीडियो विल स्टार्ट अबाउट द स्टेनिंग कल हम स्टेनिंग पर बात करेंगे हम डिस्कस करेंगे बुक के साथ प्लस मेरे नोट्स तो स्टेनिंग पे हम डिस्कस करेंगे एंड जो फर्स्ट टॉपिक था एटलीस्ट इसमें जो अभी माइक्रोस्कोपी uh, जो हिस्ट्री है उसकी मैंने मेरे पास एक टेबल है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एमसीक्यू सी एज़ वेल एज जो भी थ्योरी है एंड येस uh, yes, और इसकी एमसीक्यू बुक मेरे पास है आई मेक अ वीडियो सेपरेट उसके बारे में तो वो भी हम सॉल्व करेंगे सो so, आज के लिए बस इतना ही प्लीज़ 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 लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले कल कल मिलते हैं विद द टॉपिक ऑफ स्टेनिंग Till then, take care, bye bye, have a good day, thank you.